मरियम कहाँ चले गए बेटा, जरा मेरे शुगर के गोलियां देख के दियो, नहीं मिल रहे। इनो तो मेरे दुश्मन बने हुए हैं, जरा सुकून से बैठने नहीं देते। मरियम आ रही हूँ मम्मी। यहीं से ना मम्मी आपके गोलियां। इलो नहीं दिखे मेरे को, जरा पान का डब्बा भी देख के दियो ना, नहीं मिल रहे। दे रही हूँ मम्मी अभी। लो मम्मी आपका पान का डब्बा। और कुछ नहीं बेटा, जाओ जाके आराम कर लो। बहू मरियम। मम्मी मेरा चश्मा नहीं दिख रहा, कहाँ है कि जरा देख के दियो। सर पे छे ना मम्मी आपके चश्मा। मालूम ना बेटा, और उम्र के साथ साथ कैसा होता सो। मरियम जी वो मेरी कतान की साड़ी नहीं है, जरा उसको निकाल के इस्त्री कर दो ना बेटा, मेरे को शाम में दावत को जाना है। ठीक है अम्मी, कर रही हूँ। मरियम जी। अम्मी अब क्या हुआ? मैं सुबह से एक कप चाय नहीं पी बेटा, एक कप चाय बना के दियो ना। ठीक है अम्मी, 5 मिनट में बना के ला के दे रही हूँ। सुने तुम्हारे अम्मा के झूठे बात, सुबह से 3 कप चाय दे दी बेटा, एक चाय बना के दियो, सुबह से एक नई चाय भी बोल रहे। अरे भूल गए होंगे भाई, उनकी उम्र हो रही, भूल जाते हैं, बना के दियो ना, क्या होता। हाँ अब ये काम है मेरे को, बना देती हूँ। मरियम मरियम जी। अम्मी जरा वो मेरी चमक चमक की सैंडल है नहीं, जरा उसको साफ कर दो बेटा, मेरे को शाम में दावत को जाना है। ठीक है अम्मी। एक दिन इनकी दावत को अदावत नहीं बना दी ना, तो मेरा नाम भी मरियम नहीं है। अम्मा पूरी कमर दर्द हो रही मेरी, मैं तंग आ गई तुम्हारी अम्मा से। कैकू जी क्या हुआ? जीना हराम करके रख दिए, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो, सुकून से खाना खाने भी नहीं देते। सब मालूम ना तुमको, फिर कैकू नहीं बोलते तुम कुछ भी। देखो मोहतरमा, उन लगा बड़े है, लोगों की खिदमत करे तो तुम्हारे कुछ सवाब मिलता। मैं कुछ सवाब नको कवाब नको, जियो और जीने दियो बोलो तुम्हारे अम्मा को। सुने देखो मोहतरमा, तुम उनके वास्ते बहू नहीं बेटी है। कभी उन लगा मेरे को पूछे कि बेटा तू कैसा है, तू खाना खाया क्या, तेरी तबीयत कैसी है, सब ठीक तो है ना बोल के पूछे, मेरे को कभी नहीं पूछे। मगर तुम्हारे को बराबर पूछते हमारी बहू कैसी है, खाना खाई क्या, उसकी तबीयत कैसी है बोल के। कैकू कैकू बोले तो तुम बहू रानी है। रानी नहीं नौकरानी, सोप कामा ले लेते मेरे से। मरियम जरा एक ग्लास पानी दियो बेटा। देखे एक ग्लास पानी तक लेके नहीं पी लेते तुम्हारे अम्मा। अरे पानी पिलाना सवाब है मोहतरमा। और तुम कैसा लिंगे जी बोलो, तुम्हारे को नहीं मालूम कि घुटनों में दर्द है सो। एक दिन उनकी हड्डी हड्डी को पानी पिलाती हूँ, देखो तुम। नांदे भाई मैं देखे आता, बैठो तुम। कैकू अम्मा नक्को बाबा, एक नया आजाब कई को मेरी जान पे, मैं इसे लेके जाके देती हूँ, बैठो। मरियम कहाँ मर गए, अब तक नहीं आए। क्या हुआ बहू, इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ पानी दियो बोल के, सुनने नहीं आ रहा। पानी दियो। अजी क्या परेशानी है जी तुम्हारे अम्मा की। अरे अब क्या हुआ भाई? पानी दियो बोले, पानी लेके जाके दी, थोड़ा कम करके दियो बोले, तो मैं बोली पी लो कम हो जाता बोली, तो गुस्सा कर रहे मेरे को। अरे हाँ भाई तुम पी लो कहीं को बोले, तुम गुस्सा पी लेना था और पानी कम करके दे देना था। एक दिन तुम्हारे अम्मा की खिदमत करते करते मैं कम हो जाती हूँ जैसा दिख रहा हूँ। पी लो बोले तो उनको गुस्सा आया होगा भाई, उनके फीलिंग्स को भी समझना तुम। अच्छा उनके फीलिंग्स और हमारे फीलिंग्स कुछ भी नहीं। हा? हमारा कौन सोचते भाई, मैं तो फुकट में मिल गई ना तुम लोगों को। मैं ये घर में शादी करके तुम्हारे भरोसे पे आई थी, अब तुम्हारा भरोसा नहीं दिख रहा। आउटो नक्को मोहतरमा, पानी पियो। अजी पानी का नाम नक्को लियो जी बाबा, अब मैं ये घर में नहीं रुकती। हाँ कहाँ जाके रहते फिर? मैं को दूसरा घर लेके रखो, गल जा रही हूँ मैं तुम्हारे अम्मा के कामा करते करते। शादी से पहले 50 किलो था मेरा वजन,
अब 45 किलो हो गया। अजी तुम क्या दाल है गलने के वास्ते? नहीं मेरा मतलब तुम मेरे वास्ते कीमती हीरा है। हीरा? ठीकरी भी नहीं हूँ मैं इधर, मेरी कुछ औकात ही नहीं है ये घर में। तुम औकात में रहो ये काफी है जी। देखो बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकती ये घर में, हमारे अम्मा के घर के पास दूसरा फ्लैट लेके रख दो मेरे को। देखो मोहतरमा मैं आपको एक जिंदगी का सुनहरा उसूल सिखाता हूँ। जिंदगी गुजारने का बेस्ट उसूल ये है कि तुम किसी के हो जाओ या फिर किसी को अपना बना लो तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। सुने? देखो ये कहावत मैं कुनक को सुनाओ, बहुत देखी मैं इंस्टाग्राम पे। सुने? देखो तुम ये पागल बात नको करो, अगर मैं तुमको अलग फ्लैट लेके रख दिया तो अम्मा का कैसा? शैकु तुम्हारे अम्मा को तुम अकेले ही छे क्या, दूसरी औलाद नहीं है? अरे लगा इंडिया में नहीं है भाई, जो भी है अपन ही छे उनको। सुने और अपन बहुत किस्मत वाले हैं जी, जो अपने को ऐसा अपने बड़े बुजुर्गों की खिदमत करने का मौका मिल रहा। तुम करो भाई, मेरे को कहीं को फंसा रही है सब में। शरीयत में का लिखे हुआ है बताओ? सास ससुर की खिदमत करना बोल के, तुम्हारी खिदमत करना बोल के लिखे हुआ है, वो मैं करती हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मा की खिदमत करना मेरे से नहीं होगा। देखो मोहतरमा उनकी खुशी में अपनी खुशी है। देखो मेरे से नहीं हो सकता, कहाँ लिखे हुआ है बोलो खिदमत करना बोल के, क्योंकि कुरान में हदीस में किधर लिखे हुआ है बोलो। देखो मैं मानता हूँ कि भाई ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, मगर अगर मगर कुछ भी नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को भी मालूम कहाँ है लिखे हुआ बोलो सास ससुर की खिदमत करना बोल के, कहीं भी लिखे हुआ नहीं है। तुम्हारी करना बोल के है, तुम्हारी कर दो। बेगम मेरी बात सुनो जरा, समझो तुम सास को सास नहीं माँ समझ के उनकी खिदमत करो, उनको राजी रखो। कई को बोले तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे कुछ मुबारक। सुने ना मैं भी हदीस पढ़ी सो हूँ, अगर शोहर कमाता और बीवी को अलग लेके रख सकता तो रखना, और नौकरानी रख सकता तो वो भी रखना, शरीयत इसकी इजाजत देती, नहीं तो क़यामत के दिन मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ जाऊँ। मोहतरमा तुमको ज्यादा बोल दे रहे हैं, समझे? कुछ भी ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, जो शरीयत में है वो ही बोल रही हूँ, और आपको मानना पड़ता। ठीक है भाई, अब आप शरीयत की बात कर रहे हैं तो मानना पड़ता है। हमारे अम्मा के घर के सामने एक फ्लैट सस्ते में है कते, वो मेरे को लेके दे दो, मैं कुछ ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रही हूँ, जो शरीयत में है वो ही बोल रही हूँ, और आपको मानना पड़ता। मानना पड़ता आपको है सो है। ठीक है मसला नहीं, मैं आपको क्या करता हूँ, आपके अम्मा के फ्लैट के सामने जो फ्लैट है वो लेके दे देता हूँ, आप रहो उधर ही। हाँ मैं इधर ही रहता हूँ हमारे अम्मा के साथ, और एक अच्छी नेक समझदार बच्ची जो मेरी माँ की खिदमत कर सकती उसको देख के दूसरी शादी कर लेता हूँ। क्या कई को दूसरी शादी? शरीयत मोहतरमा शरीयत, चार शादियों की इजाज़त देती शरीयत मर्द को। अरे इन्हों तो मेरे कुछ फंसा दिए, और इनका कोई भरोसा नहीं, दूसरी भी करके ला सकते हैं इन्हों, मेरी चाल मेरे पे भारी पड़ गई, अब सिचुएशन को ठंडा करना पड़ता। अजी मैं तो मजाक कर रही हूँ थी, आप तो दिल पे ले लिए, मैं जैसा हमारे अम्मा की खिदमत करती हूँ आपकी अम्मी की भी वैसे खिदमत करती हूँ, आप तो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए, मैं तो आपको टेस्ट कर रही हूँ थी। मैं भी मजाक कर रहा था मोहतरमा, मगर आप दिल पे ले लिए। अरे नहीं जी मैं कहीं को दिल पे ली हूँ। मरियम मरियम जरा तुम्हारा फोन दियो बेटा, पाकिस्तानी ड्रामा देखना है। जा। उम्र सारी। आ रही अम्मी। देखे कैसा सीधी करा, वो बड़े लगा बोलते नहीं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता।